मेरा नाम योगेंद्र यादव है, यहाँ गुड़गांव में पैदा हुआ। गांव है सहारनवास, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की तरफ जाओ तो पहला गांव पड़ता है। आपने आम आदमी पार्टी का नाम सुना है? वो पार्टी जिसने दिल्ली में झाड़ू चला दी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों का भंडाफोड़ किया, उसी आम आदमी पार्टी से हूँ। दिल्ली हुई हमारी, अब हरियाणा की बारी। हरियाणा की बारी इसलिए कि जन लोकपाल आंदोलन के पहले दिन से हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बदलाव किया। हरियाणा वो राज्य था जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उसके परिणाम से सबसे ज्यादा ऊर्जा जागी, उत्साह जागा। हरियाणा की बारी इसलिए भी है कि ये एक प्रदेश है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। सरकारी नौकरियों की बोली लगी हुई है, भूमि के हर चीज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चाहे CLU का मामला हो, कॉलोनी काटने का मामला हो, लैंड एक्विजिशन अधिग्रहण करने का मामला हो, उसे वापस रोकने का मामला हो, हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार इसलिए है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष जो ताकत में हैं, जो उसके खिलाफ हैं, दोनों मिले हुए हैं। अब ये इनेलो वाले क्या मूले की विरोध करेंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का? ये BJP और हजका, इनेलो और कांग्रेस, ये चारों की चौकड़ी एक दूसरे से मिली हुई है। इस चौकड़ी के सामने एक चौकीदार बैठाने की जरूरत है। हरियाणा की राजनीति में राजनीतिक दलों के दलदल में एक सच और आदर्श का खंभा गाड़ने की जरूरत है। ये काम करेगी आम आदमी।